जैसे हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा कि छोटे छोटे सूक्ष्म धर्मों में भी कितना दोष लगता है, जैसे बिस्लेरी का पानी, वह भी हम लोग बहुत अज्ञानता से ऐसे ही पी लेते हैं। धर्म के संस्कारों की नींव बचपन में ही डाली जाती है, तो उसी संस्कारों के साथ आज हम देखने जाएंगे कि युवावस्था में किन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है और कल्याण मित्र का हमारे जीवन में क्या रोल होता है। पता नहीं, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। क्या हुआ? शायद हम तुम्हारी मदद कर सके, बताओ तो। मेरे घर पे कई दिनों से मेरी शादी की बात चालू है। मेरे घर वाले तो मेरे लिए लड़का भी ढूंढ रहे हैं। क्या? शादी की बात से कौन उदास होता है? मतलब अब मेरे पास तुम्हारी भी शादी होगी, कितना मजा आएगा। लेकिन ये तो खुशी की बात है, तुम इतना उदास क्यों हो रहे हो? पता नहीं, मेरे मन में कई सारे सवाल है जिनके जवाब भी नहीं है मेरे पास, और मैं बहुत अशांत हो गई हूँ। सगाई के बाद तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। वो कैसे? सगाई के बाद मेरे होने वाले पति रोज मुझे खत लिखते हैं, मेरे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, मेरे पसंद नापसंद पूछते हैं, और मेरे ससुराल वाले मुझे हर तीज त्यौहार पे नए नए तोहफे भेजते हैं, और मेरी माँ रोज मेरे मनपसंद खाना बनाती है और मुझे अपने हाथों से खिलाती है। और इतना ही नहीं, मेरे भैया भाभी पिता सब मेरे आगे पीछे भागते रहते हैं। तो ऐसे बोलना, सब तेरे नखरे उठाते हैं। हाँ, ये सब तो ठीक है, फिर भी शादी को लेके मेरे मन में कोई खुशी ही नहीं है। ऐसे मत सोच, अपने आगे वाले जिंदगी के बारे में सोच, सब अच्छा होगा। लेकिन मेरा मन शांत ही नहीं है, बहुत अशांत हो गया है मेरा मन। तो कुछ बोलो, क्या हुआ? तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? मैं यह नहीं बोल सकती कि वो सही बोल रही है या गलत, पर इतना बोल सकती हूँ कि हमारा मन बहुत चंचल होता है और उसे सुख की लालसा होती है, और उसे पाने के लिए हमें अत्यंत दुख और तकलीफ झेलनी पड़ती है। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम्हें पहले उसे शांत करना चाहिए। लेकिन मैं मेरा मन शांत कैसे करूँ? इसका एक सरल उपाय है गुरु। गुरु एक ऐसी व्यक्ति है जो हमें और हमारे मन को समझते हैं, वही तुम्हें कोई मार्ग देते हैं। बात तो समझती है। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही अलका आज आ जाए तो उससे बात कर लेते हैं। क्या करना है आगे? बात करके आने दो उसको, पहले बात करते आने। लो अलका बेटी आ गई, उससे बात करती हूँ। लो अलका, पूछती हूँ। अलका बेटी। हाँ माँ। हाँ, क्या सोचा तुमने अपनी शादी के बारे में? अलका जरा बोलो तो सही, ताकि हमें भी समझ में आए आगे क्या करना है। परेशान हो गई हूँ मैं, नहीं कर रही मुझे शादी। शादी की बात सुन के परेशान हो गई हूँ, नहीं कर रही मुझे कोई शादी। अलका, अलका बेटी, अलका। तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा है कि आज कल की युवा पीढ़ी अपने परिवार के उपरांत अपने दोस्तों को ज्यादा अहमियत देते हैं, उनके सुझाव जल्दी से मान लेते हैं। तो वैसे ही आपके लाइफ जीवन में कौन से ऐसे कल्याण मित्र रहे थे और उनके बारे में हमको कुछ जानकारी दीजिए। मित्रों की बात मानना तो नहीं, मैं कभी किसी की बात मानती नहीं थी, जो मुझे करना वही मैं करती थी। एक थी मेरी कल्याण मित्र, ऐसी तनुजा नाम था उसका। तो हम अक्कलकुआ में, हम ज़्यादा टाइम साथ में नहीं रहे, पर अक्कलकुआ प्रतिष्ठा थी तब हम 10 से 15 दिन साथ में रहे। उसका तो था ही दीक्षा लेने का, और हमको बोलती थी वो क्या करेगी अलका ही बोलते थे मेरे को, क्या करेगी अलका, तेरा आगे का क्या विचार है। मैं कहा दीक्षा तो मैं लूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने मेरे बड़े पापा का देखा था तो मेरी दीक्षा की इच्छा नहीं थी, मैं दीक्षा तो नहीं लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या शादी करेगी? शादी करने की भी इच्छा नहीं है, पर देखते अभी आगे क्या होता है। तो उसको मैं ऐसा बोलती थी, जब भी एक बार दर्शन करने गई, जब भी दर्शन देख, आज दीक्षा लेती तो तू मेरे से बड़ी होती, मैं उम्र से उसकी बड़ी थी। आज तू दीक्षा लेगी लेती तो तू मेरे स्थान पे होती। अब भी जब भी जाओ वो यही बोलते थे, तू दीक्षा लेती तो मेरे स्थान पे होती। तो ये जो आपको कल्याण मित्र के रूप में मिली आपकी फ्रेंड, तो उनसे आपने क्या सीख ली? या ठीक है, उस वक्त आप नहीं उनसे जुड़े,
लेकिन बाद में ऐसे जैसे भी अनुभवों से या उनसे बातचीत में मुलाकात होती रही थी, तो फिर उस दरमियान आपको उनसे क्या सीख मिली है? ऐसे मैं जब भी जाती थी ना तो मैं बस धर्म के बारे में बोलते थे तू दीक्षा अभी भी ले से मैं क्या मतलब संसार में पड़ के अब कैसे दीक्षा लूंगी, कुछ नहीं तू कुछ तो कर, वो है ना उनको धर्म चढ़ता था पर वो व्यावच बहुत ज्यादा करते थे, तो बस मुझे लगता है वो बोलते थे कुछ नहीं करा व्यावच करेगी तो भी चलेगा तू व्यावच तो कर, पर ऐसा सोचती थी कि हाँ मैं तो मेरे दिमाग में आया कि सामायिक प्रतिक्रमण मतलब दीक्षा लेने के बाद व्याख्यान देना वगैरह ये सब कुछ नहीं जरूरी नहीं है, तो बोलते कुछ नहीं व्यावच भी करेगी साधु संतों की व्यावच बहुत जरूरी है, वो बहुत व्यावच करते थे उनको, तो वो बोलते थे व्यावच, मेरे को जब व्यावच का थोड़ा लगा कि नहीं अपन संसार में रहके भी व्यावच कर सकते, तो उस सीख मिली कि धर्म में उनको बोला कि कुछ नहीं सामायिक प्रतिक्रमण भी ऐसा कुछ नहीं जैसे नहीं होता मत कर पर व्यावच कर, तो गाँव में साधु संत आ रहे उनकी तो व्यावच व्यावच जैसे कि अपना धर्म मंदिर की विधि और ये सब के अलावा भी आपको और किस चीजों में रुचि थी कार्यों में? मेरे को है ना जिसे मंदिर के अलावा मेरे को समाज सेवा गरीबों की सेवा करना दान देना अच्छा लगता था, जो कोई आया है किसी कोई परेशानी में है उसको मदद करना जीव दया करना गायों को जाके खिलाना जीव दया ये मेरे को बहुत अच्छी व्यावच का जैसे कहा वो हुआ एम्बिल खाता हुआ वहाँ जाके हेल्प करना और रोजगारी करना, मैं तपस्या भी करती थी निगड़ी में तपस्या भी की मेरे जल्दी हो जाता था बैठना तो उठ के मैं परोजगारी भी करती तो मेरे को सब डांटते थे, तो मैं कहा नहीं मेरे को परोजगारी करना बहुत अच्छा लगता है व्यावच में बहुत था, तो हमारा साहब ने मेरे को बताया कुछ नहीं पर जो साधु साधा है उनकी व्यावच कर जो करेगी वही बहुत है। तो आजकल की जो ये पीढ़ी है आज के ये युवा बच्चे तो इनको आप क्या सीख देना चाहोगे कि आपको जो ये कल्याण मित्र के रूप में मिले हैं तो सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा मित्र आजकल मित्र तो बहुत मिलते हैं, सच्चा मित्र ऐसा होना चाहिए जो अपने आत्मा का कल्याण करेगा। आजकल क्या है लोग जो धर्म में जाता है उसको भी पीछे खींच लेते हैं, अरे क्या जा रहा है चल अपन पार्टी में जाते हैं डिस्को पार्टी में जाएंगे वहां जाएंगे जा तू जा वहाँ क्या है, हमारा सब बोलेंगे ये मत खा वो मत खा वो मत खा ये सब मुझे नहीं पसंद है, ऐसा धर्म कर वैसा धर्म का मंदिर जा वो मुझे पसंद नहीं है, बस वो डिस्को डांस में ऐसा करेंगे। जो व्यक्ति अपने को धर्म में जोड़ता है और अपने आत्मा का कल्याण करता है बस उसी के वही अपना सच्चा कल्याण करेगा, बाकी तो और कोई नहीं। बहुत अच्छी सीख दी आज आपने सच्चे मित्र के बारे में बताया तो सब छोड़ रहे हो, खूब खूब धन्यवाद। युवावस्था में हमारा मन बहुत ही चल बिचल रहता है, अपने लिए सही या गलत का निर्णय नहीं कर पाता, काफ़ी समय दोस्तों की सलाह से निर्णय लिए जाते हैं, उसी समय सही कल्याण मित्र की पहचान होकर उसके सुझाव पर अमल करना यही हमारे जीवन में सही दिशा दर्शाता है।